तुषार सोलंकी ने पूछा है, हेलो मैम, हाउ आर यू? आई वांट टू नो अबाउट अल्कलाइन वाटर. व्हाई आरओ कंपनीज एग्जैजरेटिंग, इट्स टू गुड, इज इट ओनली मार्केटिंग गिमिक? देखिए तुषार जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है. यस, बहुत सारे आरओ कंपनीज जो वाटर फिल्टर्स बनाते हैं, कुछ ना कुछ नई गिमिक लेके आते हैं ताकि वो और ज़्यादा कस्टमर्स को पैसे चार्ज कर सके. तो क्या ये अल्कलाइन वाटर सच में इफ़ेक्टिव है या नहीं? बहुत सारे ऐसे वाटर फिल्टर्स हैं जो कहते हैं हमारे वाटर फिल्टर के अंदर एक खास प्रकार का आयोनाइजर फिटेड है जो आपके पानी को अल्कलाइन करेगा, जिससे आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे. तो सबसे पहले तो जो पानी होता है उसका जो पीएच लेवल होता है वो न्यूट्रल पीएच होता है, यानी कि 7 होता है. तो एसिडिक पीएच मतलब क्या? एसिडिक पीएच मतलब अगर 7 से कम वाला पीएच होता है उसको एसिडिक पीएच कहते हैं. अल्कलाइन पीएच मतलब क्या? जिसका पीएच 7 से ऊपर 8 या 9 के पीएच वाला होता है उसको अल्कलाइन पीएच कहते हैं. तो अब इनके क्लेम्स क्या है? तो अब ये जो वाटर प्यूरिफायर कंपनीज जो होते हैं, आरओ प्यूरिफायर कंपनीज होते हैं, ये दो मेन तो इम्पॉर्टेंट क्लेम्स करते हैं. ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लेम करते हैं कि अल्कलाइन वाटर, आप हमारा अल्कलाइन वाटर पिएंगे तो उससे आपके बॉडी में जो पेप्सिन नाम का एक एसिड बनता है जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है, उससे आपको आराम हो जाएगा. लेकिन अभी तक कोई भी रिसर्च से ये पता नहीं लगा कि ये सच बात है, इसीलिए ये मेरे हिसाब से तो गलत है और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है. दूसरा एक क्लेम इनका ये है कि ये ब्लड के विस्कोसिटी को कम करता है, यानी खून को पतला करता है. ये भी गलत है क्योंकि इसके रिलेटेड ऐसा कोई प्रॉपर साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ऐसा कोई प्रॉपर साइंटिफिक प्रूफ नहीं है. ओके, अभी ये अल्कलाइन वाटर क्या ये सच में आपकी बॉडी में काम करता है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके आप किसी भी तरह का पानी लेते हो तो वो पानी जो है ये एक तरह का मीडियम है. पानी एक सप्लीमेंट नहीं है कि आपके बॉडी में चेंजेस करता है. पानी एक तरह का कैरियर है जो न्यूट्रिशन को या किसी भी चीज़ को आपके बॉडी में कैरी करता है और आपके बॉडी में सभी न्यूट्रिशन का प्रॉपर सर्कुलेशन मेंटेन करता है और उसका एलिमिनेशन भी मेंटेन करता है. अगर आपको आपकी बॉडी में किसी भी तरह के पीएच लेवल के चेंजेस करने होते हैं तो उसके लिए पानी के अंदर बहुत सारे ऐसे अल्कलाइन मिनरल्स भी होने चाहिए और इसके साथ साथ उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रॉपर्टीज वाला नेगेटिव चार्जेस भी होने चाहिए, जिसकी वजह से वो पानी इफेक्टिव हो या जिसकी वजह से वो पानी एंटीऑक्सीडेंट या फिर प्रोऑक्सीडेंट बन सके. लेकिन ये अल्कलाइन वाटर जो ये मार्केट करते हैं, इसके अंदर इस तरह के कोई एडिशनल मिनरल्स नहीं होते या इस तरह का कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रॉपर्टीज भी नहीं होते. ओके, तो इसलिए ये क्लेम्स कंप्लीटली गलत है. फिर भी अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हमको अल्कलाइन वाटर पीना ही है, तो क्या आपको सच में वो महंगे फिल्टर्स लगाने हैं? नहीं, आप घर पे बैठे होममेड अल्कलाइन वाटर आराम से बना सकते हो. आप जब ये पानी में एप्पल साइडर विनेगर डालते हो और उसको पीते हो तो वो अल्कलाइन वाटर आराम से बन गया. ओके, तो दैट इज योर होममेड अल्कलाइन वाटर. दूसरा एक ऑप्शन, अगर एसी भी नहीं है आपके पास तो आप नींबू का रस डाल दीजिए तो वो भी अल्कलाइन वाटर बन गया. ओके, तो इस तरह से आप घर पर अल्कलाइन वाटर बना सकते हो. अल्कलाइन वाटर नेचुरली अवेलेबल है ऐसे एरियाज में जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह, बहुत पहाड़ी इलाका वगैरह होता है. तो उस वहाँ जैसे हम लोग कहते हैं ना, झरने का पानी या झील का पानी होता है, वो अल्कलाइन पानी होता है विच इज नेचुरली अल्कलाइन. ओके, तो एज सच हमारे बॉडी को इस तरह का कोई ज़रूरत नहीं है. कुछ लोगों को जब वो सच में अल्कलाइन वाटर पीते हैं तो उनको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. अल्कलाइन वाटर के क्या साइड इफ़ेक्ट्स है? तो अल्कलाइन वाटर का नंबर वन साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये आपके बॉडी का या आपके ब्लड का पीएच लेवल कम करता है, यानी कि आपके पेट में जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है या एसिडिक लेवल कम कर देता है. तो जब ये इस तरह से कम करता है तो आपको पेट की काफ़ी सारी बीमारियाँ होने लगती है, क्योंकि आपके पेट में एक एसिडिक पीएच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके पेट को प्रॉपरली आपको खाना डाइजेस्ट करता है, अंदर पेट में किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होने देता. तो जब इस तरह का एक्सेसिव अल्कलाइन वाटर लेते हो तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेट में तकलीफ होती है और भी बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं. ज़्यादा अल्कलाइन वाटर पीने से एक
प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है और वो है स्किन इरिटेशन. यस, बहुत सारी स्किन के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा एल्कलाइन वाटर पीता है. तो आई एम श्योर यू गॉट अ ब्रीफ आइडिया. मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है. इस तरह से एल्कलाइन वाटर से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और इस तरह से इतने महंगे महंगे वाटर प्योरीफायर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपको सच में एल्कलाइन वाटर पीना है तो आप घर पर एप्पल साइडर विनेगर डालकर एल्कलाइन वाटर बनाकर आप पी सकते हो. ओके.